और पिछले दिनों हम इसी मामले को लेकर के माननीय गडकरी जी को मिले और गडकरी जी हम सत्तार महाराज जी पर्यटन मंत्री उनके नेतृत्व में उनको मिले। उन्होंने कहा जो उत्तराखंड सरकार चाहेगी, उन्होंने सीएम पे ये बात डाल दी कि सीएम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, लेकिन अभी भी हम लोगों ने दो प्लान दे रखे हैं कि इस रोड को बनाया जाए और हम चाहते हैं कि जोशीमठ टच हो, बाईपास नीचे हो जाएगा तो कोई किसी को मत, जैसे आज ऊखीमठ है वैसे ही जोशीमठ मिल जाएगा आने वाली पीढ़ी। और हम ये कहते हैं कि जब ये कह गया कि पुराणों में कहा गया है कि बिना नरसिंह भगवान के दर्शन के बद्री विशाल के दर्शन अपूर्ण हो, नारायण ईसवी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शिव आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भारत में 4 आमनाय पीठों की स्थापना की। योग शिखोपनिषद में आध्यात्मिक धरातल पर जिन मठ और पीठों की उद्भावना की गई है, भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने भौतिक धरातल पर उन्हें अभिव्यक्त किया। ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वावनाय पूरी पीठ है जिसे गोवर्धन मठ कहते हैं। रामेश्वरम से संबद्ध श्रृंगेरी दक्षिणामनाय पीठ है जो यजुर्वेद से संबद्ध है। द्वारकापुरी में एक पीठ की उद्भावना भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने की जो कि सामवेद से संबद्ध है। और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ क्षेत्र में ज्योतिर्मठ की स्थापना की उद्भावना की जो कि अथर्ववेद से संबद्ध है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पूरे विश्व को प्रचार का क्षेत्र निर्धारित किया। बृहद भारत की दृष्टि से 4 धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में इन्हें ख्यापित किया गया। धार्मिक दृष्टि से ज्योतिर्मठ राजधानी है, देहरादून की बात अभी दूर रखिए, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से यह जो ज्योतिर्मठ है भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के द्वारा उद्भाषित राजधानी है। 4 मठों में एक मठ है यहाँ पर, इसलिए जो भी यात्री आते हैं उनकी आस्था का केंद्र है भगवान नृसिंह, तो आस्था के केंद्र हैं ही। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा प्रकल्प केंद्रीय या प्रांतीय शासन तंत्र को नहीं चलाना चाहिए जिससे ज्योतिर्मठ से दर्शनार्थी वंचित हो जाएं, भगवान नृसिंह के दर्शन से दर्शनार्थी वंचित हो जाएं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, आप बद्रीनाथ जी को महत्व दें लेकिन ध्यान रखें कि मूर्ति भंजकों के शासनकाल में बद्रीनाथ का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने नारद कुंड में 3 बार गोता लगाकर भगवान बद्रीनाथ के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया और विधिवत उन्हें प्रतिष्ठित किया। जिन भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के चिन्मय कर कमलों से बद्रीनाथ पुनः प्रतिष्ठित हुए, उन्हीं भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने इस ज्योतिर्मठ को उद्भाषित किया। दोनों में अनन्य संबंध है, बद्री क्षेत्र में ही ज्योतिर्मठ है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र उन्मत्तता का परिचय न दे और बद्रीनाथ जी के या
दर्शन हो, उनकी यात्रा हो, लेकिन उसमें नृसिंह भगवान और ज्योतिर्मठ को पृथक न किया जाए। साथ ही साथ मैं एक संकेत करता हूँ, एक महापुरुष करोड़ों व्यक्तियों की जीविका का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2502 वर्ष पूर्व इस ज्योतिर्मठ की स्थापना भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने की और शिव पुराण, वायु पुराण इत्यादि का अनुशीलन कीजिए, भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर बद्रीनाथ जी को भी प्रतिष्ठित कर चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवतपाद शंकराचार्य महाभाग ने जहाँ बद्रीनाथ को 2502 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित किया, वहाँ उसी क्षेत्र में ज्योतिर्मठ को भी 2502 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित किया। दोनों में तादात्म्य है, गंभीर संबंध है, एक दूसरे को पृथक न किया जाए। भगवान नृसिंह यहाँ पहले से ही प्रतिष्ठित हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र उन्माद का परिचय न दे, ज्योतिर्मठ को बद्री वन से और बद्री मठ वन को ज्योतिर्मठ से पृथक न करे। यहाँ भी पंडे पुजारी हैं, परंपरा के संत महात्मा हैं, उनकी आस्था पर आघात करना विकास के नाम पर किसी भी शासन तंत्र का कर्तव्य नहीं है। केंद्रीय शासन तंत्र प्रांतीय शासन तंत्र को छोड़ने का बहाना न बनावे। अगर प्रांतीय शासन तंत्र चाहता भी है तो भी अभी एक संयोग है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड या उत्तरांचल में भी भाजपा की सरकार है। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री अपनी ओर से ज्योतिर्मठ, जहाँ शंकराचार्य का एक मठ है पवित्र, साथ ही साथ जहाँ नृसिंह भगवान प्रतिष्ठित हैं, इनको पृथक करके मार्ग बनाना भी चाहे मुख्यमंत्री, तो केंद्रीय शासन तंत्र हस्तक्षेप करे, यह उसका दायित्व है। समझ गए? चारों मठ में किसी भी मठ का अपकर्ष, यात्रियों को प्रतिबंधित करना, वहाँ के पंडे पुजारियों को तिरस्कृत करना, वहाँ के देवी देवताओं को तिरस्कृत करना किसी भी शासन तंत्र का अधिकार नहीं है, किसी भी शासन तंत्र के लिए शोभनीय नहीं है। ठीक है।